हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस गोल्ड टुडे एनालिसिस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से गोल्ड में एनालाइज करेंगे। आज हम देखेंगे कहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और आज हम गोल्ड में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से एक नॉलेज और एक आइडिया मिल जाएगा, जिससे आज आप गोल्ड में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेंगे गोल्ड में हवाली टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज हम किस तरीके से एक ईवी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से एक सिंपल कंफर्मेशन के बाद हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हवाली टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे एक रजिस्टेंस एरिया, जिसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डाटा को देखते हुए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रजिस्टेंस एरिया को मार करना है। ये काफी शानदार सा एक रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्रीवियस टाइम की अगर बात करें तो मार्केट ने काफी अच्छे से इस लेवल को होल्ड किया है। ये देखिए, अगर हम इसी एरिया को एक्सटेंड करेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर दिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर दिया। अभी देखेंगे तो मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर से रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए, रिजेक्शन आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए चार्ट को थोड़ा जूम करके और समझ लेते हैं। यहाँ पे ये तो हुआ हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट का एक माइनर सा सपोर्ट जैसा भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट काफी अच्छे से इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, ये है हमारा एक सपोर्ट एरिया और ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। अब इस लेवल के अंदर ही मार्केट काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस, अगेन मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इस रेंज का ना तो ब्रेक डाउन कर पा रहा था और ना ही ब्रेक आउट कर पा रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो फिलहाल में मार्केट ने इस रेंज का ब्रेक डाउन जैसा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट को अगर थोड़ा जूम करके देखें तो क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो क्या हमें यहाँ से ट्रेड सेल डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए? नो ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, कहां पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, इसके लिए हम चलेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें यहां पे सेटअप देखने को मिल सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे ओपन कर लिया है। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। यहां पे फ्रेंड्स, हमने जो अभी एनालाइज किया है, इस इमेज को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया हूं, ताकि आप उस इमेज को देखकर परफेक्ट एनालाइज कर पाए, परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पैरेलल चैनल को मार कर पाए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैंने आपके साथ ये इमेज शेयर कर दिया है, ताकि आप इस इमेज को देखकर परफेक्ट इस तरीके से एनालाइज कर पाए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, वो ये वाला टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली एनालिसिस चार्ट इमेज शेयर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर किसी दूसरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हैं और आपसे कोई पैसे वगैरह चार्ज कर रहा है, तो प्लीज आप ऐसे चैनल से बच कर रहें, रिपोर्ट करें और तुरंत आप ऐसे चैनल से रिमूव हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, कुछ तरीके से आप देख सकते हैं, जिसमें हम वीडियोज वगैरह यहाँ से डालते रहते हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो वो मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ से फॉल कर दिया, बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट एरिया के आसपास आने के बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल का एक हाई लगाया, अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा। तो क्या हो
सकता है। यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम जैसा बना रहा है। देखिए फर्स्ट बॉटम हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड बॉटम हो जाएगा, जिसको हम एक डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। हो सकता है मैं भी, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हो सकता है मैं भी यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करें। ठीक है, डब्लू पैटर्न क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रैप में कर सकता है। क्यों ट्रैप में कर सकता है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मार्केट काफी टाइम से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, अभी फाइनली मार्केट ने इस रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्मार्टली किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। हो सकता है मैं भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर बाय में देखने को मिले, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर ने जो सेल किया है ना, सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करे, इसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करे। तो स्मार्टली हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे। ये पूरा हमें एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेना है, जो कि बहुत शानदार सा एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया के आसपास अगर मार्केट आए ना, तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास मार्केट आए, ठीक है, इस रेंज के अंदर आए, इसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह भी कर सकता है। ये लेवल कौन सा है, तो लेवल हम देख लेंगे 1961.60 and 1957.135 का। ये पूरा एरिया हमें मार्क करना है, ठीक है, पूरा एरिया काफी अच्छा सा एरिया। इस एरिया के आसपास अगर हमें यहां से मार्केट टाइम स्पेंड करते हुआ देखने को मिलता है और इस लेवल के आसपास शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो इसके लिए हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से एनालाइज करें, तो सिंपल है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिबोनाची को मार्क करना है। ये वाला हमारा लो है और ये वाला एक हाई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिबोनाची को मार्क कर देना है। ये मैं लो से पकड़ता हूँ और हाई तक फिबोनाची को मार कर देता हूं। जैसे ही मैं लो टू हाई फिबोनाची को मार करता हूं, तो हमारे सामने काफी सारे लेवल्स निकल के आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है फ्रेंड्स, 0.5% का, जिसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला लेवल हम यहां पे मार कर लेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल मार्केट सपोर्ट क्यों ले सकता है, यहां पे अभी ट्रेड कर रहा ना, जैसे कि हमने देखा मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है, जैसे डब्लू पैटर्न जैसा भी यहां पे दिखा रहा है। ठीक है, सपोर्ट क्यों ले सकता है, क्योंकि 0.5% का लेवल भी है, ठीक है, 0.5% का लेवल भी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहां से बाय में हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पे ये दो लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं, मैं फिबोनाची को यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो ये वाला जो लेवल है काफी अच्छा सा है, 0.5% का लेवल। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हम कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चैनल भी मार्क होता हुआ देखने को मिलेगा। काफी शानदार तरीके से मार्केट ने प्रीवियस टाइम इस चैनल को फॉलो किया है। क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, मिडिल लाइन को देखिए काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये कौन सा है, पैरेलल चैनल का मिडिल लाइन है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर दिया, अगेन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लाइन के आसपास, ये पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है। इसी का सपोर्ट लेने के बाद देखिए ग्रीन कैंडल जैसा यहाँ से बनाना स्टार्ट कर, तो मैंने आपसे क्या बोला, इस लेवल के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेने आए। ठीक है, 1957.135 का एरिया पे ही हमारा पैरेलल चैनल का एक रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है यहां से मार्केट फॉल वगैरह करे। ठीक है, तो टारगेट हम इस एरिया के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि इस लेवल के आसपास मार्केट बहुत आसानी से फॉल वगैरह कर सकता है। मे बी 1949.342 and 1947.549 का ये हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम दो सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया। सेकेंड सपोर्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा सेकेंड सपोर्ट है, तो ये वाला एरिया मुझे एक
सेकंड सपोर्ट की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट वगैरह किया है। ठीक है, सेकंड सपोर्ट की अगर बात करें तो 1941.038 एंड 1937.642 का ये हमें सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास भी मार्केट फॉल वगैरह कर सकता है, लेकिन श्योर टारगेट फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम सेकेंड टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बाय का सेटअप, ठीक है, बाय हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो बाइंग के लिए श्योर देखिए इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करे, हमारे जो पैरेलल चैनल है इस एरिया का प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट के बाद यहाँ से अगर बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है, इस एरिया के आसपास, फिर यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें एक सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आज आप गोल्ड में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एनालाइज पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा आज हम गोल्ड में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेज पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई ऐसी ही टुडे एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।